हाय गाइस, मेरा नाम है संजय सैमुअल, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, एक फिजिक एथलीट हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑल अबाउट ओलंपिया जो है वो अभी तक का सबसे ग्रेटेस्ट फिटनेस बॉडी बिल्डिंग चैनल है इंडिया में। वो इसलिए है क्योंकि उसने जो अविरल अग्रवाल जो उसमें यूट्यूबर हैं वो जो बॉडी बिल्डिंग का जो कंटेंट लेके आते हैं वो लोगों को इतना पसंद आता है, बायोग्राफीज उन्होंने लाना शुरू करी और जो बॉडी बिल्डिंग की जो जर्नी है जो 70s 80s 90s में है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि बॉडी बिल्डर्स के बारे में कोई इतना नहीं जानता था, लेकिन क्या होता है कि ऑल अबाउट ओलंपिया से क्या बहुत सारे लोगों ने बॉडी बिल्डर्स को जानना शुरू करा और जो भी लेटेस्ट अपडेट वो लेके आते हैं बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड को वो लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं इसलिए। और जो भी कंट्रोवर्सी एक बॉडी बिल्डर के साथ में अभी उनकी हुई है कि क्या होता है, एक डिफरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और एक डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में अंतर होता है। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म झेलने के लिए कम से कम आपको थोड़ी कर्टसी दिखानी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है कि बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को भी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं लेकिन वो अपनी उस क्रिटिसिज्म को अच्छे से हैंडल करते हैं, सॉफ्टली हैंडल करते हैं और अपने ना वर्क एथिक में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा इसको बढ़ाना नहीं चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि ऑल अबाउट ओलंपिया जो है अविरल अग्रवाल उसके क्रिएटर हैं और उनका चैनल बहुत अच्छा है। जो निक स्ट्रेंथ एंड पावर जो है जो यूएसए से वीडियो बनाता है, पहले मैं उसके भी वीडियो देखता था और अब मैं ऑल अबाउट ओलंपिया को भी 2017 से फॉलो कर रहा हूँ, मैं उनका सबसे बड़ा डाई हार्ट फैन। तो इसलिए ऑल अबाउट ओलंपिया एक ग्रेटेस्ट यूट्यूब चैनल है बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री पे और जो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं और उसकी अपडेट दिखाते हैं और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड टॉपिक्स को वो डिस्कस करते हैं बहुत अच्छे से। इसलिए उन्होंने अपनी जितने भी सब्सक्राइबर्स गेन करें वो क्यों उनको फॉलो करते हैं, वो इसलिए तो फॉलो करते हैं उनको कि उनको पसंद है वो व्यक्ति, वो ठीक है। तो हर व्यक्ति का काम होता है क्रिटिसाइज़ करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। जिन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती है, जिन लोगों को क्रिटिसिज्म झेला नहीं जाता है वो लोग क्या कर सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट करें अपने वर्क की दिख में, ठीक है, और ज़्यादा हार्डवर्क करके और ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और संजय सैमुअल फिटनेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।